हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर राजीव रतन राय में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट प्लाज्मा के बारे में और बताएंगे आपको कि सेंट प्लाज्मा का जो है पहचान हम कैसे करें और यह हमें जो है समस्या हमारे शरीर में न हो इसको हम कैसे नियंत्रित करें, और अगर यह समस्या हमको हो ही जाती है तो कौन कौन सी हमारी होम्योपैथिक दवाएं जो है इसमें कारगर है, इन सारी चीजों की चर्चा जो है हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेंट प्लाज्मा। दोस्तों, सेंट प्लाज्मा जो है पीले रंग के उभरे हुए बंप होते हैं जो कि जो है फैट वसा से भरे हुए होते हैं। यह हमारे जो है आंखों के आसपास खास करके इस हिस्से में जो है इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, सेंट प्लाज्मा जो है हमारे खून में हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है हो जाने की वजह से हमारे जो है चेहरे के आसपास जो है इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, यह हमारे स्किन को किसी भी प्रकार का जो है हानि नहीं पहुंचाता है और ना ही इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है दर्द होता है। दोस्तों, यह जो है हल्के उभार ग्रोथ जो है होते हैं जो हमारे चेहरे की सुंदरता को जो है प्रभावित करते हैं। यह हमारे खून में LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपो जो है प्रोटीन की वजह से होते हैं और यह बीमारी दोस्तों महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, खास करके जो महिलाएँ 30 से 50 वर्ष की हैं उनको यह जो है समस्या जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लोग एशियन मूल के हैं, जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, जो लोग मोटे हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, शुगर के मरीज हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों को यह समस्या जो है ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। दोस्तों, अब यह प्रश्न उठता है कि इस रोग की हम पहचान कैसे करें, कैसे जानेंगे कि जो है हमारे जो है आंखों के आसपास जो है इकट्ठा होने वाला पीले रंग का उभार बम्प जो है ये सेंट प्लाज्मा है। तो दोस्तों, जब हम को ये समस्या हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जो है जा करके अपनी जांच कराते हैं और डॉक्टर जो है आपके आंख के आसपास की स्किन को देख करके, आपके लिपिड प्रोफाइल को जाँच करके, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल देख करके और उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो यह पूरी संभावना है कि जो है आप सेंट प्लाज्मा की समस्या से जो है जूझ रहे हैं। अब दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि अगर इस बीमारी को हमें रोकना है या हम चाहते हैं कि यह बीमारी हमारे शरीर में ना आए या आंखों के आसपास जो है सेंट प्लाज्मा जो है न हो, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ना हो, तो हम जो है क्या करेंगे या कैसे इसको जो है हम नियंत्रित करेंगे। दोस्तों, अगर आपको जो है कोलेस्ट्रॉल जो है की मात्रा ज़्यादा है तो इसको जो है हम नियंत्रित करें, कम करें, और इस बीमारी में जो है हम कोलेस्ट्रॉल को अपने नियंत्रित करते हैं तो इससे हमको जो है फ़ायदा मिलेगा। अपने भोजन व दिनचर्या में बदलाव करें, आप जो है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ऑयली चीज़ें जो है भोजन में कम करके नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई समस्या ना हो तो आप धूम्रपान ना करें, शराब जो है छोड़ दें और आप जो है अपने वजन को नियंत्रित रखें। सप्ताह में कम से कम 30 मिनट जो है व्यायाम ज़रूर करें। तेल घी में बनी चीज़ों का जो है परहेज करें। दोस्तों, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके, इन सारी चीज़ों को करके हम जो है सेंट प्लाज्मा की समस्या को जो है होने से अपने शरीर में जो है रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर यह समस्या हमको हो जाती है तो खुद से जो है आप दवा जो है ना लें, आपके लिए जो है नुकसानदेह जो है हो सकता है, इसलिए आप किसी जो है योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है मिलें और लक्षण और शारीरिक बनावट और आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है डॉक्टर आपके लिए दवा सेलेक्ट करेगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, सेंट प्लाज्मा जो है
खून में जो है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इकट्ठा हो जाने की वजह से जो है होती है। इसलिए इस रोग में जो है डॉक्टर जो दवा चुनेगा वो आपके लिए जो है फायदेमंद होगी। कई बार देखा गया है कि सेंट प्लाज्मा की समस्या जो है लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी जो है हो जाती है। और इसमें जो है जो दवाएं हम सेलेक्ट करते हैं वो लीवर पे भी वर्क करती है। तो दोस्तों अब आता है कि सेंट प्लाज्मा की समस्या हो जाए तो कौन कौन सी हमारे होम्योपैथिक दवा जो है इसमें कारगर है, किन किन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा जो है लीवर जो है में कुछ प्रॉब्लम है और लीवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो दोस्तों हम इसमें कुछ लीवर की दवाएं लेंगे, जैसे कार्डुश क्यू, चेलिडोनियम क्यू, ये दो दवाएं जो है जो हमारे लीवर पे सीधा वर्क करती हैं। और अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो जो है हम इस दवाओं को लेंगे, धीरे धीरे हमारी जो है समस्या कम होगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा। तो चेलिडोनियम क्यू और कार्डुस क्यू 10-10 बूंद लेकर के सुबह दोपहर शाम रेगुलर 2-3 महीने तक यूज़ किया जाए तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है प्लस लीवर में आए डिफेक्ट को भी जो है ठीक करता है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है एलियम सेटाइवा। एलियम सेटाइवा जो है मदर टिंचर में लेकर के 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लिया जाए तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। एलियम सेटाइवा दोस्तों लहसुन से बनता है और जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका जो है बहुत अच्छा रोल है। अगर एलियम सेटाइवा लेकर के 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम 3 टाइम अगर हम रेगुलर लें तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है नियंत्रित हो जाती है और सेंट प्लाज्मा की समस्या से भी हमको निजात मिलता है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है कोलेस्ट्रिनम। कोलेस्ट्रिनम जो है 3x पावर में लेकर के 2-2 गोली अगर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हम लेते हैं और लगातार 3-4 महीने तक सेवन करते हैं तो ये हमको इस बीमारी में काफ़ी जो है फायदा देता है। कोलेस्ट्रिनम 3x 2-2 गोली 3 बार अगर हम लेते हैं 3-4 महीने तक तो सेंट प्लाज्मा की समस्या में हमको जो है काफ़ी जो है रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है बेराटाम्यूर। बेराटाम्यूर 30 पावर में लेकर के अगर हम 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर 2-3 महीने तक सेवन करते हैं तो इस समस्या से जो है निजात मिलता है। बेराटाम्यूर 30 पावर में अच्छा वर्क करता है और लेकिन इसको 2-3 महीने तक इसका जो है सेवन करना होगा। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है फिलटेरी। फिलटेरी जो है हमारे जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, फैट की मात्रा को कम करता है तो मदर टिंचर में लेकर के इसको 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर हम सेवन करें तो इस समस्या से जो है हमको निदान मिलता है और हमारा जो है सेंट प्लाज्मा की समस्या भी जो है धीरे धीरे ठीक होती है। दोस्तों अगर आँख के आसपास फैट का डिपोजिशन हो गया है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसमें जो है थूजा बहुत अच्छा वर्क करता है। थूजा 1 mm में लेकर सप्ताह में 5 बूंद जो है रेगुलर कम से कम 3-4 महीने तक यूज़ करें तो जो ग्रोथ हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है जो धीरे धीरे कम हो जाता है और दवा अगर रेगुलर कुछ दिन तक चला जाए तो जो समाप्त हो जाता है। थूजा 1 mm सप्ताह में 1 बार 5 बूंद रेगुलर 3-4 महीने तक इसका जो है उपयोग हम करते हैं। अगली दवा दोस्तों इसमें आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी जो है इस समस्या में बहुत अच्छा वर्क करती है। 5 बूंद सप्ताह में 1 बार रेगुलर 3-4 महीने तक यूज़ किया जाए तो जो है ये समस्या जो है ठीक हो जाती है और जो आंखों के आसपास जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जल्द ही जो है इस रोग से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारा चेहरा जो है स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। दोस्तों ये हो गई होम्योपैथिक दवा जो सेंट प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन में आंखों के आसपास काम करती है। दोस्तों इन दवाओं को धैर्य से अगर 3-4 महीने तक यूज़ किया जाए तो धीरे धीरे इस समस्या से निजात मिलती है और ये समस्या समाप्त भी हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी जरूर दबा लें ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना अतिशीघ्र आप तक पहुँच सके, आपको रोग के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने को मिले। दोस्तों इसी के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हम।